हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग सीक्रेट शेयर। आज हम देखेंगे होममेड चिकन टिक्का सिज़्ज़र। ये काफ़ी परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल से बनता है, उससे भी ज़्यादा बहुत अच्छा बनता है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें स्टेप्स थोड़े काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी वेजीज ये सब बहुत स्टेप्स है, तो मैंने बहुत ही कट शॉर्ट करके डिस्क्रिप्शन में काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है। आप मेरे वेबसाइट भी चेक कर सकते हो, cookingsecretshare.com। वहाँ पर भी आपको इसकी रेसिपी इन स्टेप वाइज मिल जाएगी, और YouTube के डिस्क्रिप्शन में भी वहाँ पे काफ़ी मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चिकन टिक्का सिज़्ज़र की रेसिपी। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट सोक किए, चिकन स्टॉक है, ये बॉइल्ड चिकन है, बोनलेस बॉइल्ड चिकन, ये बॉइल्ड कॉर्न है, ये मैंने वेजेस लिया है, बेल पेपर, कैरेट जो अपने को सिज़्ज़र को लगते हैं, कोरिएंडर रखा है, ये बीन्स है, कैप्सिकम है और ब्रोकोली है। इसमें से आपको प्लस माइनस आपकी चॉइस से आप कर सकते हो। ये सब मैंने नमक के पानी में रखे हैं। इसको अपने को चॉप करके लेना है कुछ इस तरीके से, और इसको अपने को ऑलिव ऑयल में थोड़ा सॉटे करना है, 1 स्पून ऑलिव ऑयल, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट के साथ। ये मैंने कर्ड का बैटर लिया है, यहाँ पे ये स्पेसिफाई किए हुए स्पाइसेस डाले हैं, फ्लेवर के लिए पिज़्ज़ा सीजनिंग मैंने डाला हुआ है, चाट मसाला है। ये अपने को ये जो बॉईल किया हुआ बोनलेस चिकन है इसको मैरिनेट करना है इसमें, और अपने को रेफ्रिजरेट करना है 2 घंटा। अगर आप ओवरनाइट रख सकते हैं तो और भी अच्छा है, पर यहाँ पे मैंने ये 2 घंटा फ्रीज़र में रखा है। अगर आप ओवरनाइट रख रहे हो तो उसको अच्छी तरीके से नॉर्मल करके फिर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने अभी हम लोग वाइट सॉस कॉर्न बनाएंगे जो हम लोग कैप्सिकम में स्टफ करने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 स्पून बटर लिया है। इसको अच्छे से मेल्ट होना है, इसके बाद हम लोग इसमें मिल्क ऐड करेंगे। यहाँ पे मुझे 2 कप ऑफ मिल्क लगा है। मिल्क थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है आगे जाके उसका जो थिकनेस है उसके ऊपर, पर 2 कप सफिशिएंट हो जाता है। ये मैंने 2 स्पून मैदा डाला है, आप ये कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो। इसको अपने को मीडियम फ्लेम पे लगातार मिक्स करके हिलाते हुए चलाना है, नहीं तो नीचे लग जाएगा। थोड़ा जैसे ही ठीक हो जाएगा हम लोग उसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे। इसको लम्स नहीं होना है अपने को, इसलिए कंटिन्यू हिलाते हुए अपने को चलाना है 1-2-3 मिनट। अब ये अच्छे से ठीक हो चुका है, तब हम लोग इसमें 1/2 कप ग्रेटेड चीज़ डालेंगे। उसको अच्छे से मिक्स करके फिर हम लोग उसमें बॉइल्ड कॉर्न ऐड करेंगे। ये मैंने ब्लैक पेपर डाला है, चिली फ्लेक्स डाला है, ये ऑप्शनल है आपको चिली फ्लेक्स डालना है नहीं डालना है। सॉल्ट थोड़ा कम ही डालना क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी उसको बटर चीज़ ये चीज़ें डाल चुके हैं, इसलिए आप टेस्ट के हिसाब से डालिए। इसको अच्छे से मिक्स करके हम लोग थोड़ा कुक करके लेंगे, जिससे ये कॉर्न और ये जो वाइट सॉस है अच्छे से मिक्स हो जाए। ये अपना ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है कॉर्न, इसको हम लोग अभी अपने कैप्सिकम में स्टफ करेंगे। ये मैंने कैप्सिकम ऊपर से आधा काट के लिया हुआ है, वॉश करके अच्छे से। इसमें हम लोग ऐसे एक एक पूरा रखेंगे, इसे स्टफ करना है तो हम लोग इसको साइड में रख देंगे। अब हम राइस बनाएंगे, इसमें मैंने 3 स्पून ऑफ बटर लिया है। हम लोग ये बटर गार्लिक राइस है, यहाँ पे मैंने कैरेट एंड बीन्स को चॉप करके लिया है। वेजिटेबल्स ऑप्शनल है, आप सिर्फ बटर गार्लिक राइस भी बना सकते हो, पर मैंने वो दिखने को भी अच्छा लगता है, उसमें से वेजेस बच्चे भी खा लेते हैं राइस के साथ, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। अगर आपको पसंद नहीं तो स्किप कर सकते हो। ये चॉप गार्लिक है, ये सब अच्छे से हम मिक्स करेंगे इसको। ये सब करते हुए अपने को एकदम लो फ्लेम रखना है क्योंकि यहाँ पर बटर है, हम लोग एक ही कढ़ाई में यूज़ कर रही है, तो नीचे ज़्यादा लग ना जाए। सॉल्ट डालेंगे और ब्लैक पेपर।
जो हाफ का बचा हुआ ग्रेटेड चीज़ है वो डालनी है। मैंने चीज़ इसमें से थोड़ा फ्लेवर आने के लिए डाला है, अगर आपको नहीं चाहिए तो स्किप कर सकते हो, पर थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। चुका है चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। ये अच्छे से हम लोग स्टर करके हम लोग अपना स्टीम राइस डालेंगे। इसमें राइस मैंने ऑलरेडी कुक करके लिया था, ये बासमती राइस है, क्योंकि हम लोग सिजलर बना रहे हैं तो बासमती राइस ही अच्छा लगेगा। और बासमती राइस पकाने के टाइम उसमें 1 स्पून ऑयल डालना तो राइस अच्छे से इसे छोटा बनता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम लोग, ज़्यादा मिक्स नहीं करना टूट जाएगा राइस, इसलिए हम लोग उसमें अभी कोरिएंडर डाल रहे हैं। ये जो कोरिएंडर है जब काट के हम लोग डालते हैं बटर गार्लिक राइस में, तो इसका फ्लेवर बहुत ही ऑसम आता है। आप ये ज़रूर ट्राई करना, कि आप ऐसे भी बना सकते हो उसे बटर गार्लिक राइस। इसमें सॉल्ट मैंने डाला है ऊपर से एंड ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। फिर हम लोग अमूल बटर यूज़ कर रहे हैं इसलिए मैंने सॉल्ट थोड़ा कम ही डाला है, क्योंकि बटर ऑलरेडी सॉल्टी होता है, हम लोग चीज़ भी ऐड कर रहे हैं इसमें। इसमें हम लोग जैसे टू थ्री कुक करके लेंगे और अपना राइस रेडी हो गया। अभी हम लोग इसमें जो स्टफ के लिए कैप्सिकम है उसको 1 स्पून ऑयल में थोड़े से स्टीम करके लेंगे, जिससे उसका रॉनेस निकल जाए, खाने में कोई दिक्कत ना आ जाए। किसी को एकदम रॉ टेस्ट पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा स्टीम करके लेना है, जिससे हम लोग डायरेक्ट कैप्सिकम सॉस एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऊपर का जो कटा हुआ पार्ट है वो ही है, वो कभी कभी नीचे का बेस से रहता नहीं, तो इसके साथ हम लोग सिजलर प्लेट में रखेंगे तो अच्छे से वो रह जाएगा। इसके बाद उसको भी थोड़ा स्टीम करने को रखा है, अच्छे 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर स्टीम करना है। तो स्टीम करके रेडी हो चुका है, हम इसको साइड में रखेंगे। अभी नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है सॉस। हम अपनी सॉस अपने को कढ़ाई में ऑलरेडी बटर ले चुके हैं, मेल्टेड बटर, इसमें मैंने गार्लिक पेस्ट डाला है। अब हम लोग इसमें टोमेटो केचप डालेंगे 1 कप, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, मैंने यहाँ पर किसान का लिया हुआ है। मिक्सर में ग्राइंड करता है ड्राई फ्रूट्स या जो भी हम लोग कोरिएंडर भी चॉप करके लिया है, तो जो उसका वो स्टिकी हुआ रहता है उसका मैंने वो पानी लिया है, और पानी अपने को धीरे धीरे ऐड करना है। ये मैंने 1 चिली पाउडर ऐड किया हुआ है, 1 स्पून रेड चिली पाउडर एंड 1/2 स्पून शुगर, शुगर सिर्फ टेस्ट के लिए है, थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाला हुआ है। इसे हम लोग ये 1 कप वाटर डालेंगे, वाटर अपने को धीरे धीरे ऐड करना है कंसिस्टेंसी देख करके, सॉस एकदम भी अपने को पतला नहीं चाहिए पानी जैसा, नहीं तो उसका फ्लेवर निकल जाएगा। इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, इसको मैं मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है धीरे धीरे। अभी और मैंने 1 कप ऐड किया पानी, थोड़ा उसको बॉइल्ड होने दें। अच्छे से बॉइल होने के टाइम हम लोग उसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग डालेंगे, फ्लेवर के लिए सब चीज़ें हैं तो बॉइल होते समय डालेंगे, और 1 लेमन जूस भी इसके ऊपर से डालेंगे। अच्छे से बॉइल होकर मिक्स करना है अपने को, इसके बाद हम लोग उसमें फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे, फिर उसका सॉस का जो टेस्ट है वो थोड़ा रेस्टोरेंट जैसा है इसके लिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो फ्रेश क्रीम आप स्किप कर सकते हो। अच्छे से बॉइल होकर अपना ये सॉस ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ये पैन में मैंने अभी बटर स्प्रेड किया है, अमूल बटर,
इसको अपने को जो फ्रीजर में रखा हुआ चिकन टिक्का था, बोनलेस चिकन, वो हम लोग इसको शॉर्ट फ्राई करके लेंगे। फ्रीजर में रखा हुआ, फ्रीजर में इसलिए रखना है क्योंकि उसका जो मैरिनेट किया हुआ कोटिंग है वो अच्छे से उसको स्टिक हो जाता है और प्रॉपर शैलो फ्राई होता है, मसाला छूटता नहीं है। ये हम लोग 10 मिनट करें रखेंगे ये साइड पे, और इसमें करने के टाइम लो फ्लेम रखना है अपने को। जैसे ही छूटने लगे तो अपने को उसको भी टर्न करना है। अगर आपको चाहिए तो आप उसके ऊपर से थोड़ा बटर डाल सकते हो ऐसे एक एक पीस के ऊपर, अगर आपको फ्लेवर थोड़ा और ड्राई लग रहा है तो, पूरे आपकी चॉइस के ऊपर है। उसको हम टर्न करेंगे और उसको भी 10 मिनट पकाएंगे, जिससे उसका जो ऊपर का मैरिनेटेड है वो अच्छे से पक जाए, नहीं तो थोड़ा कच्चा का टेस्ट आएगा। ऐसे इसको अपने ग्रिल करना ही है, थोड़ा शैलो फ्राई चल जाएगा, थोड़ा मसाला पकेगा तो दोनों साइड से अच्छे से हम उसको शैलो फ्राई करते हैं। ये अपना चिकन टिक्का रेडी हो चुका है, अब इसको हम लोग थोड़ा ग्रिल करेंगे गैस पे। अगर आपके पास ओवन है तो आप इसमें भी कर सकते हो, पर मुझे गैस पे काफ़ी कन्वीनियंट लगता है। ये स्टिक लिया है मैंने ग्रिल का, जो ओवन में आता है वो मैंने स्टिक लिया है। इसको हम लोग एक एक पीस लगा के हम लोग उसको गैस पे ग्रिल करेंगे, तंदूरी इफेक्ट आएगा इसको और स्मेल भी काफ़ी अच्छा आता है करने के टाइम गैस पे। इतना हो गया है, अब हम लोग इसको तंदूर करेंगे, ग्रिल करेंगे। गैस का फ्लेम पे मैंने ऊपर एक स्टैंड रखा है जो ओवन में लो रैक रहता है, और इसको आराम से अपने को करना है, अपना ख्याल रखना है क्योंकि कभी कभी गर्म हो जाता है, इसलिए ग्लोव्स डाल के ही करना। हीट प्रूफ ग्लोव्स आता है, इसको अपने को ऊपर नीचे थोड़ा मूविंग करना है जैसे सब जगह से उसको फ्लेम लगे और तंदूर का इफेक्ट आ जाए, बहुत अच्छा स्मेल रहा है। हम लोग आप ये ऐसे ही एज ए स्टार्टर यूज़ कर सकते हो, जैसे कोई गेस्ट आ रहा है तो बहुत ही अच्छा लगेगा ये हरा चटनी के साथ। तो काफ़ी अच्छे से तंदूर हो रहा है, ऊपर से नीचे हम लोग उसे घुमाते रहेंगे, हाथ को संभालना बहुत ही सावधानी से करना है। उसको तंदूर हो गया है अपना ये चिकन टिक्का, ऐसे से बाकी सब करके हम लोग ये अपना चिकन टिक्का रेडी हो गया है। अभी हम लोग सबसे आगे जाएंगे फाइनल स्टेप पर, जब हमको असेंबल करना है। ये मैंने सीरियल फिट रखा है, इसमें गाड़ी सी असेंबल आप आपके हिसाब से प्लेसमेंट कर सकते हो। अगर सीजलर प्लेट नहीं है तो मैंने मेरे वेज सीजलर में दिखाया हुआ है आयन तवा, उसके ऊपर भी कर सकते हो। ये रेस्टोरेंट स्टाइल खाने के लिए इसलिए मैंने ये सिजलर प्लेट लिया हुआ है। ये मैंने फ्रेंच फ्राइज रखा है, ये अपना नॉर्मल मकीन्स का है जो मैंने डीप फ्राई करके चुका है, इसलिए मैं वीडियो में ऐड नहीं किया है। ये अपना कैप्सिकम और अभी हम चिकन टिक्का रखेंगे। अब थोड़ा हम लोग अभी गैस थोड़ा फास्ट रखेंगे मीडियम पे, और अब अपना सॉस स्प्रेड करेंगे जो हमने मक्खनी सॉस बनाया है, अच्छे से हम लोग ऊपर नीचे स्प्रेड करेंगे, अच्छे से स्मोक आ रहा है एकदम परफेक्ट, वो रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा ही लग रहा है, और इसका जो फ्लेवर का स्मेल आ रहा है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है। ये अपना चिकन टिक्का सिजलर रेडी हो चुका है, आप ऐसे हॉट सब अपने फैमिली मेम्बर्स को दे सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। ये ज़रूर ट्राई करना चिकन टिक्का सिजलर, ये बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये खाने के बाद रेस्टोरेंट में खाना भूल जाओगे, ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।